अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे ब्राउज़ के बारे में। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैंने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाई हुई हैं ऑथेंटिक पेजेस से, तो उनका मैं रिव्यू दूंगी। सो दिस इज़ माय ब्राउ लॉक्स बाय लशेस कॉस्मेटिक्स। आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम है लशेस, लशेस कॉस्मेटिक्स ब्रांड का नाम है। आपको इजीली, आप एफ बी पे इसका पेज है, इंस्टाग्राम पे भी इसका पेज है। ये बहुत ऑथेंटिक जो है, ये उनकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, उनकी अपनी वेबसाइट है और उस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान में इजीली आपको 2-3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर डिलीवरी हो जाती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और मेरी भी बड़ी जल्दी क्विक, मैं एक्चुअली ब्लैक फ्राइडे का वेट कर रही थी। ब्लैक फ्राइडे पे मैंने इनकी डील, इनकी जो प्रोडक्ट है वो मंगाई थी। मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की नहीं, तो इसलिए मैंने एक ही प्रोडक्ट मंगाई इनकी, लेकिन आगे मैं इंशाल्लाह और भी प्रोडक्ट्स मंगवाऊंगी इनकी। इनकी मैंने मंगवाई है, दिस इज़ अ ब्राउ लक्स, आप लोग देख सकते हैं, ब्राउ टिंटेड ब्रो जेल, ठीक है। ये ब्रो जेल है, ठीक है। ब्राउज को फिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों फिल करना इंपॉर्टेंट होता है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। फिलहाल मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि ये इन द शेड डार्क में, जो हमारी स्किन होती है उसके अकॉर्डिंग ये डार्क शेड, बहुत ब्लैक में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्लैक में ना ब्राउज बहुत बुरी लगती हैं, बहुत मतलब बहुत शार्प और बहुत हार्श लुक आती है, ठीक है। एक ये इस तरह से है, इसको मैंने खोल लिया है, ओपन कर लिया है, और ये इस तरह से इन द शेड डार्क ब्राउन। अगर आपका कलर, इसके अंदर 3 शेड होते हैं, एक होता है लाइट, एक होता है मीडियम और एक होता है डार्क ब्राउन। ब्राउन के अंदर 3 शेड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने लेना, अगर आपका स्किन, आपका कलर जो है वो सांवला है या नॉर्मल एशियन स्किन है, तो उसके ऊपर अगर, तो आपने ये वाला बहुत, अगर आपको कलर का नहीं, कलर से नहीं पता चल रहा, तो आपने क्या करना है, अगर आपकी ब्राउज़ का कलर जेट ब्लैक है, यानी कि आपके जो बाल हैं ब्राउज़ के वो बहुत जेट ब्लैक हैं, तब आपने डार्क ब्राउन शेड चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपके बाल थोड़े नॉर्मल ब्राउन, ब्राउन से शेड में आ रहे हैं, तो फिर आपने मीडियम ब्राउन चूज़ करना है। और अगर बहुत लाइट से, जैसे जिसको भूरा भूरा बोलते हैं, उस टाइप के हैं, तो फिर आपने लाइट चूज़ करना है, लेकिन डार्क ब्लैक में कभी भी नहीं जाना, क्योंकि ब्लैक जो है वो बहुत हार्श लुक देता है। अगर आपके बाल ब्लैक है तो भी हम ब्लैक यूज़ कर लें, ब्लैक से बहुत हार्श लुक आती है। ये जो है ये बहुत अफोर्डेबल है। दिस इज़ फॉर, प्राइस की तरफ हम बात करें तो इसके ओरिजिनल प्राइस आई थिंक 850 हैं और आई थिंक 900 रुपीज़ हैं, बट मैंने इसको ब्लैक फ्राइडे में मंगाया तो इससे ये मुझे मिला है 670 रुपीज़ का, ठीक है, 670 और 80 रुपीज़ का, बट डिलीवरी चार्जेस कर कर आके ये 822 रुपीज़ का, 825 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा है। तो मैंने एक ही प्रोडक्ट लशेस से मंगाई थी। लशेस बहुत अच्छा ब्रांड है, इनका ब्लश ऑन भी है, इनकी कॉन्टोर किट बहुत ज़्यादा फेमस है, इंशाल्लाह मैं वो भी मंगवाऊंगी। लेकिन फिलहाल इनकी ब्राउज़ के लिए जो ब्राउज़ किट मिलती है वो भी, जो पाउडर फॉर्म में होती है, वो भी बड़ी फेमस है। इनकी पेंसिल बहुत फेमस है, और अब ये मैंने ये मंगवाया क्योंकि ये बहुत ईजी टू यूज़ होता है, ठीक है। इसका जो है ना, ये बिल्कुल मस्कारे की तरह इसका होता है, जस्ट एक ही स्वाइप के अंदर ये इतना पिगमेंटेड है, मैंने अभी इसको यूज़ किया है, ये इतना पिगमेंटेड है कि फ़ौरन से मेरी ब्राउज़ को इतनी ज़बरदस्त इसने फिलअप एक बहुत, और इससे क्या होता है, ये एक होते हैं पॉमेड्स भी होते हैं, उससे क्या होता है, बहुत हमको एक डिफाइन और एक बहुत वो आर्च वाली लुक चाहिए होती है, इससे बहुत सॉफ्ट लुक आती है। अगर हम डेली यूज़ के लिए इसको रखें कि भाई हमने जाना है आना है किसी, फटाफट बस जस्ट इसका एक स्वाइप लिया और फ़ौरन से इसको मैं खोल के आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। दिस इज़ द 6 पॉइंट, इसके अंदर आपको मिलेगी 6.5 ml प्रोडक्ट, और ये हलाल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखें इसके अंदर कोई भी एनिमल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ठीक है। दिस इज़ मेड इन तैवान, ये आप लोग देख सकते हैं, और दिस इज़ वेरी नाइस ब्रांड, ठीक है। जस्ट वेट, मैं इसको ओपन करके दिखा, आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से बिल्कुल मस्कारे की तरह, देखें आप एक स्वाइप में कितना पिगमेंटेड है, कि कितना ज़्यादा कलर आ गया है, और ये बहुत देर तक चलेगा। दिस इज़ वेरी नाइस प्रोडक्ट। और हम आईब्रोज को क्यों सेलेक्ट करते हैं, आईब्रोज सेलेक्ट करना क्यों जरूरी है, वो मैं दूसरी वीडियो में